इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि बिग बॉस की होस्टिंग के लिए भाई सलमान खान परफेक्ट चॉइस है। जिस तरीके से बिग बॉस का फॉर्मेट है, जिसमें मस्ती होती है, धमाल होता है, कलेश होते हैं, झगड़ा फसाद ये वो ऐसा वैसा होता है, तो ओवरऑल मिलाकर अगर देखा जाए तो सलमान खान एकदम सटीक होस्ट हैं जो कि बिग बॉस को होस्ट करते हैं। काफी सीजन से अगर आप देख रहे होंगे तो भाई की ही दमदार परफॉर्मेंस रहती है, और हम लोग वीकेंड के वार के लिए बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वेट करते हैं कि यार जैसे ही वीकेंड आए तो हम लोग भाई सलमान खान की झलक देख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, सलमान खान नहीं दोस्तों, इससे पहले जो पहली चॉइस थे कलर्स के, वो थे दोस्तों किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान। चौंक गए ना आप ये बात सुन के। चलिए आपको बताता हूं कि ये बात कहां से आई है। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि सलमान खान जी ने बात कही है। हम सब जानते हैं कि 4 तारीख को गोवा में जबरदस्त एकदम ग्रैंड तरीके से दोस्तों हुआ है बिग बॉस सीजन 12 का प्रीमियर, जिसमें बहुत सारे मीडिया फील्ड के लोगों को बुलाया गया है, जहां पर सलमान खान जी बोट में आते हैं। आपने तो एक फुटेज देख ही लिया होगा दोस्तों। तो सलमान खान आते हैं, धमाल मचाते हैं, टावल डांस करते हैं, वन लाइनर्स छोड़ते हैं, और साथ ही साथ इस बात को कन्फ्रंट करते हैं कि भैया ओरिजिनल चॉइस मैं नहीं, कलर्स वालों की जो ओरिजिनल चॉइस थी वो किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान थे। दरअसल शाहरुख खान की उस समय टाइम नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, उनकी इंजरी हुई थी दोस्तों, आपको तो पता ही है शाहरुख खान को कभी नी इंजरी होती है, कभी शोल्डर इंजरी होती है, तो उस टाइम पे शाहरुख खान को इंजरी हुई थी दोस्तों। तो इस वजह से शाहरुख खान ने जो ये ऑफर है टर्न डाउन कर दिया। यहां पर हमारे भाई ने जो है कर्टेसी जताई और ग्रेटिट्यूड शो किया टुवर्ड्स शाहरुख खान, क्योंकि उनकी वजह से उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतना अच्छा शो मिला, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मिला। वेल दोस्तों, ये तो मैं कहना ही चाहता हूं कि बिग बॉस का जैसा फॉर्मेट है उस हिसाब से सलमान खान ही बेस्ट होते। लेकिन आप ये बताइए कि अगर किंग ऑफ रोमांस इसको शूट करते, अगर किंग ऑफ रोमांस इसमें सारी होस्टिंग करते तो कैसा रहता, वो भी मजेदार होता राइट? लेकिन कितना होता ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, सारी मेरी बातों का जवाब दीजिए, और ये बात जानकर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातों के लिए मैं हूं राहुल भोज, लेकर आऊंगा एक एक करके बिग बॉस सीजन 12। आ रहा आ रहा आ रहा।